आगामी नीतियां बना पाएगी। लेकिन आपको याद रखना है, ये महाअगाड़ी वाले जिस गाड़ी पर चल रहे हैं वो ऐसी गाड़ी है, न पहिए हैं न ब्रेक है, और कौन चलाएगा इसके लिए मारम्मार है। वो सबसे अगाड़ी अस्थिर गाड़ी है। ये लोग आपस में ही झगड़ा करने में समय बर्बाद कर देते हैं। साथी, आप बाबा साहब का चित्र बना के लाए हैं, चलिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। जरा मैं हमारे साथियों को कहता हूं, जरा कलेक्ट कर लें। मैं आपका बहुत आभारी हूं, आपने इतनी शानदार भेंट मेरे लिए लाए हैं। हाँ, वो हमारे साथी ले लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। साथियों, आप सब भी भलीभांति जानते हैं, आप लोग देख रहे हैं कि अगाड़ी में कैसे भगदड़ मची हुई है। अभी से अगाड़ी में मुख्यमंत्री पद के लिए खींचतान नूरा कुश्ती चल रही है। एक पार्टी पूरे दिन अपने नेता को मुख्यमंत्री बताने में लगी रहती है, दूसरी पार्टी और कांग्रेस वाले उनके दावेदारी खारिज करने में लगे रहते हैं। आप जरा सोचिए, चुनाव से पहले इनका ये हाल है, ये अगाड़ी वाले कभी भी महाराष्ट्र को सी सरकार नहीं दे सकते। साथियों, कांग्रेस पार्टी ने देश के ऊपर दशकों तक राज किया, 50-50, 60 साल तक। लेकिन उनकी सोच क्या थी? उनकी एक ही सोच थी, समस्याओं को बनाए रखना, लोगों को समस्याओं में उलझाए रखना, यही कांग्रेस की कार्यशैली रही है। कांग्रेस की इसी सोच ने हमारे महाराष्ट्र के किसानों को बदहाल बनाए रखा। हमारे इस इलाके में सिंचाई के लिए आपको कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने आप लोगों को कितना तरसाया है। ये माताएं बहनें किसान तो कभी उनको माफ नहीं करेंगे। हमने यहां किसानों की सिंचाई की समस्या को दूर करने पर फोकस किया। हमारे प्रयासों से सोलापुर जिले के कई गांवों का जलस्तर बढ़ रहा है। महायुति सरकार ने किसानों के बिजली के बिल माफ कर दिए। हमारी कोशिश है कि अब किसानों को बिजली का बिल भरना ही ना पड़े, और इसलिए हम हर खेत तक सोलर ऊर्जा पहुंचाने में जुटे हैं। बड़ी संख्या में सिंचाई के पंपों को
सोलर पंप में बदला जा रहा है। आप तो जानते हैं ड्रोन दीदी, आज हमारी ड्रोन दीदी गांवों में खेतों में आज उसका बोलबाला हो गया है। हमारी बहनें खेती की सीजन में एक एक सीजन में ड्रोन से खेती में मदद करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है और ढेर सारे पैसे कमा रही है। इसलिए आज महिलाओं का आशीर्वाद भी महायुति के साथ है। और मोदी तो हमेशा कहता है मेरा अगर कोई सबसे बड़ा रक्षा कवच है तो ये मेरी माताएं बहने हैं। साथियों, कांग्रेस देश के गरीबों वंचितों को संविधान से मिले अधिकारों को खत्म करना चाहती है और शहजादे तो विदेश में जाकर खुलेआम आरक्षण खत्म करने की बात कह आए हैं। आरक्षण खत्म करने की कांग्रेस की इच्छा ये नई नहीं है। एक समय था जब कांग्रेस आरक्षण के खिलाफ खुलेआम अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन देती थी। आप पुराने अखबार निकाल दीजिए, कांग्रेस ने अपने नाम से अपने सिंबल से आरक्षण को खत्म कर करके वोट मांगने का प्रयास किया था। साथियों, आज तो इंटरनेट का जमाना है, अब कांग्रेस के वो आरक्षण विरोधी बयान इंटरनेट और सोशल मीडिया पर भी उपलब्ध है। मैं चाहूंगा आप भी वो पुराने अखबार इंटरनेट पर देखिएगा और मैं तो अखबार वालों से विशेष प्रार्थना करता हूं कि जरा उस जमाने की पुराने अखबार निकाल के देख लीजिए क्या क्या बोले थे, क्या क्या छापा था उन्होंने। आरक्षण आरक्षण का लाभ लेने वाले एससी एसटी ओबीसी के खिलाफ कांग्रेस कैसी भाषा का इस्तेमाल करती है। अब आज जब दलित हमारे ओबीसी हमारे आदिवासी एकजुट हो रहे हैं तो ये कांग्रेस वाले सबसे ज्यादा परेशान है। उन्हें लगता है अगर पिछड़ा समाज ओबीसी एक हो जाएगा, अगर शेड्यूल कास्ट एससी दलित समाज एक हो जाएगा, एसटी हमारा आदिवासी भाई बहन एक हो जाएंगे तो शाही खानदान को कुर्सी कैसे मिलेगी। इसलिए कांग्रेस अब दलित पिछड़ा आदिवासी को छोटे छोटे टुकड़ों में बिखेरने का षड्यंत्र कर रही है। एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाकर दलितों के टुकड़े हो जाए, आदिवासियों के टुकड़े हो जाए, ओबीसी के टुकड़े हो जाए, ऐसा पाप कर्म करने के लिए कांग्रेस एक नया खेल खेल रही है। और इसलिए मैं आपको चेतावनी देने आया हूं, मैं आपको जगाने आया हूं। ये आपकी एकता बनी है उससे ये परेशान है और इसलिए कांग्रेस चाहती है हमारा पाटकर कासार के साथ लड़े, हमारी सुथार जाति गुरव जाति से भिड़ जाए, लेवे गुजर जाति नीलगा जाति से लड़े,
कांग्रेस चाहती है खटीक जाति और लोधा में भी टकराव हो जाए, ओबीसी समाज एकजुट नहीं रहेगा, जातियों में बटेगा, तभी कांग्रेस को ऑक्सीजन मिलेगी। क्या आप दलित पिछड़ा को बांटकर कमजोर बनाने की कांग्रेस की साजिश, मैं जरा आपसे जानना चाहता हूं, क्या ये साजिश को कामयाब होने देंगे? आप पूरी ताकत से बताइए, होने देंगे? कांग्रेस के खतरनाक मंसूबों को फेल करने के लिए हमें क्या करना है? हमें एक रहना है, एकजुट रहना है, और इसलिए मेरा आपसे एक ही आग्रह है, हम एक रहें तो सेफ है, हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे।